नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। WFI अध्यक्ष बृजभूषण पर एक्शन के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच बुधवार देर रात झड़प हो गई। कुछ रेसलर्स को चोटें आई हैं। विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत का सिर फूट गया है। लगातार 12 दिन से धरने दे रहे रेसलर्स ने गुरुवार को कहा था कि यही दिन देखने के लिए हम देश के लिए मेडल लाए थे, हम सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। रेसलर्स से मिलने गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, किसान और खाप नेता पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नवजोत सिंह सिद्धू और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने रेसलर का सपोर्ट किया है। एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही रेसलर्स बृजभूषण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद उन पर FIR दर्ज हो चुका है और इस पर आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। विवाद तब शुरू हुआ जब बारिश में बिस्तर और सड़कें भीगने के बाद पहलवान बेड लेकर धरना स्थल आए। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी बेड लेकर पहुंचे। पुलिस ने जब पहलवानों और भारती को रोका तो बहस शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने समझाने की कोशिश की लेकिन रेसलर्स उग्र हो गए। हल्की सी झड़प भी हो गई और भारती समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। गुरुवार को धरना स्थल पर भारी पुलिस तैनात दिखी। इस घटना के वीडियोस और फुटेज भी सामने आए हैं। पहलवानों ने कहा है कि हम सिर्फ कुछ बेड लेकर जा रहे थे लेकिन पुलिस वालों ने हम पर हमला बोल दिया। कई पुलिसकर्मी नशे में भी थे और उन्होंने मारपीट की और अपशब्द कहे। रेसलर्स ने एक पुलिस वाले को पकड़ भी लिया और कहा कि ये नशे में अभद्रता कर रहा था। विनेश ने बताया कि भाई दुष्यंत के सिर में चोट आई है और एक और रेसलर राकेश भी घायल है। विवाद के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेसलर संगीता फोगाट और साक्षी मलिक फूट फूट कर रोने लगे। इन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि हमारी मदद करिए। विनेश ने बताया कि वो पलंग लेने जा रही थी और इसी दौरान पुलिसकर्मी ने उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। विनेश ने रोते हुए कहा कि क्या इसी दिन के लिए हमारे देश के लिए हमने मेडल लाए थे। बृजभूषण सिंह सुकन से सो रहा है और हम यहाँ लाठियां खा रहे हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि यह हमारे देश के बहन बेटियां हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। बजरंग ने अपील की कि सभी लोग सुबह जंतर मंतर पहुंचे वरना यहां पर कोई नहीं बचेगा। बजरंग पुनिया ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि धरना स्थल पर आए क्योंकि यहां आने वाले को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, हमें भटकना नहीं है, किसी के साथ हाथापाई नहीं करनी।